डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बेटा, लेट अस हैव दिस बेटा, डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बेटे, सारे ही करवा देने बेटे आपको, डोंट वरी। लेट अस बेटे बिगिन विद द सेट वाइज डिस्कशन ऑफ अवर पेपर बेटा। लेट अस बेटे कंसंट्रेट नाउ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट इंडिकेट्स दैट द डायग्राम शोज ए अर्थ कनेक्टेड कंडक्टिंग स्फीयर हेल्ड क्लोज टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड डोम। बेटा आपको एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बेटे डोम दे रखा है उन्होंने। दिस इज द डोम गिवन टू यू, और ये डोम पे एक पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया हुआ है। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज गिवन टू दिस डोम। ये इंसुलेटर लगा दिया गया है यहाँ पे। व्हाट आर द चार्जेस एंड द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। इसके नजदीक एक कंडक्टिंग स्फीयर प्लेस किया गया है, इसको अर्थ किया गया है कंडक्टिंग स्फीयर को। इस पे कौन सा चार्ज है और इसका जो है पोटेंशियल वो कितना है। ये बेटे देखिए, पॉजिटिवली चार्ज आपका डोम है। जब आप इस पॉजिटिवली चार्ज डोम को बेटा इस कंडक्टिंग स्फीयर जो कि मेटल का बना हुआ है, ऑब्वियसली कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके नजदीक प्लेस करोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल असेंबल ऑन दिस पर्टिकुलर फेस। एंड वी ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट कि पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन द अपोजिट फेस। नाउ बेटे बिकॉज दिस इज गोइंग टू फॉर्म द बाउंड चार्ज सिस्टम ओवर हियर बेटा, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये सारे नेगेटिव चार्जेस को बाइंड करके रखेगा, और ये चार्ज आपका फार एंड पे होने की वजह से फ्री होगा। एंड वी एक्सपेक्ट दैट कि इट विल फ्लो टू द अर्थ बिकॉज आपने इसको अर्थ कनेक्ट कर रखा है। अब आपका जो ये कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, इस पे नेट चार्ज नेगेटिव आ गया बेटा, और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है 1/4πε0qr, ये जनरल फॉर्मूला है आपका, मैं पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूं। तो चार्ज अगर नेगेटिव है तो वी एक्सपेक्ट द पोटेंशियल टू बी नेगेटिव अगेन बेटा। सो इट मस्ट बी द सी ऑप्शन बेटा, राइट बेटे। इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है सेकंड, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स चार्ज्ड विद 10 एंड -50 यूनिट्स। टू आइडेंटिकल इंसुलेटेड मेटल स्फीयर्स, एक मेटल का स्फीयर यहाँ पे है, एक मेटल का स्फीयर यहाँ पे है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। एक के ऊपर 10 यूनिट चार्ज है पॉजिटिव, दूसरे पे -50 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज है। व्हाट इज गिवन मोर इज दैट दे आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, इनके बीच में कुछ बेटे डिस्टेंस जो है मैनेज कर रखा है उन्होंने। लेट अस से दैट की डिस्टेंस एक्स के बराबर का है। They are made to touch each other and then separated by the same distance. पहले इनको आपने separate करके रखा है, फिर इनको touch करवा के फिर इसी इनकी respective places पे आपने इनको छोड़ दिया है, रख दिया है। तो आपसे expected क्या है, पूछना क्या चाहते हैं वहां examiner? The ratio of the force between them before and after contact. एक तो इनके बीच में force होगा बिफोर कॉन्टेक्ट, और एक इनके बीच में फोर्स होगा बेटा आफ्टर द कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू। जब आपने इनको एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं रखा हुआ है तो इनके बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एफ अट्रैक्शन या बिफोर आप कह लो, इट विल बी 1/4πε0q1 10 Q2 -50, ये मैं नहीं वैल्यू पुट कर रहा बिकॉज कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर आ गया जी। जब आपने इनको दोनों को टच किया, टच करने पे -50 एंड +10, ये आपका -40 बच गया टोटल चार्ज, टोटल इतना ही बचा हा? और वो दोनों पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 20 इस पे 20 इस पे, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल बेटा। तो आपके इन पे आफ्टर द कॉन्टेक्ट 20-20 दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब आपने क्या किया, आफ्टर द इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट 1/4 pi epsilon naught -20 अपॉन एक्स का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेना चाहिए, वैसे साइन नहीं लेना चाहिए आपको। लेट मी विल सी कि कैसा आपको ऑप्शंस में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन मार्क फोर्स बिफोर फोर्स आफ्टर 1/4 pi epsilon naught 10 50 एक्स का स्क्वायर। उल्टा करके इसको लिख देता हूं बेटे, मैं डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देता हूं, इट इज 4 pi epsilon naught इट वॉज 20 and 20। ये सारा फैक्टर आपका कट जाएगा, ये जीरोस कट जाएंगी, इट मस्ट बी 5:4 बेटे। जो भी आपका ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे मेरे पास सी बन रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप लिख लोगे, राइट डियर। देन बेटे थर्ड क्वेश्चन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिशन्स में और अदरवाइज बहुत बार पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन। लेट अस बेटे हैव द डिस्कशन ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन। इसमें थ्री चार्जेस कैपिटल क्यू प्लस छोटे वाला क्यू एंड अगेन प्लस छोटे वाला क्यू, दीज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल एज शोन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ आपको एल एल और एल बेटे दे रखी है, और यहां पे चार्ज ये है, यहां पे ये है और यहां पे ये है, सारे पॉजिटिव ही है। आपको कहा गया है इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो देन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू व्हाट। आपके इस सिस्टम ऑफ द चार्जेस की नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं ना सारे बच्चे। यस बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नेट सिस्टम की कितनी होगी बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्या करते हो आप, भूल गए। ये आप यू से लिखा करते थे, इट वॉज 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2। इसको अगर मैं बोल दूं Q1 Q2 अपॉन L, वेरी नाइस, केयर नहीं डालना, गलती नहीं करनी, प्लस 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 इनको बोलेंगे, एंड डिवाइडेड बाय L अगेन, राइट बेटा। और इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन, थर्ड टर्म आपके पास ये पेयर की आ जाएगी 1/4 pi epsilon naught Q into Q upon again L, very nice। तो जो फैक्टर्स आपके कॉमन निकलते हैं आप कॉमन एडजस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, तो U आपके पास बेटे बन जाएगा जी, देखिए स्मॉल Q एक तो सब में कॉमन है ही है, डिनोमिनेटर में L भी सब में कॉमन है ही है, और 1/4 pi epsilon naught भी है, so it must be Q upon 4 pi epsilon naught L। बच्चों मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा यहाँ पे, बड़े वाला क्यू, यहाँ पे छोटे वाला, अगेन बड़े वाला, राइट। अब आपको उन्होंने कहा कि ये कितना है, जीरो, इसको जीरो कर दिया। अब ये चीज तो जीरो है नहीं, इसकी तो कुछ वैल्यू है ना बेटा, अगर ये जीरो नहीं तो दिस मस्ट बी जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, ये जीरो नहीं तो दिस मस्ट बी जीरो। सो बट वी कैन डू इज दैट बेटा 2q + q मस्ट बी जीरो है ना, एंड 2q इट मस्ट बी -q, एंड ये आ जाना चाहिए। और देखो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला ही लग रहा है मुझे तो, ये फर्स्ट वन, राइट जी। चलें जी पुत्र आगे, देन बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं पुत्र, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और फ्यूचर में भी पूछा जाएगा, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हमारे पास है फोर्थ वन, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट। वी विद अस हैव फोर्थ क्वेश्चन एज कैपेसिटर्स का नेटवर्क आपको दे रखा है, छोटा सा सवाल है ये, ये आपका ए पॉइंट है, ये बेटे आपके पास देखिए जी
9 माइक्रोफेरेड, अगेन 9 माइक्रोफेरेड, अगेन 9 माइक्रोफेरेड, दिस इज पॉइंट बेटा बी। आपने इनको ऐसे कनेक्ट कर रखा है। एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इट इज प्लस। क्यों करेंगे पुत्र? पैरेलल में है, पैरेलल में है तो आप इनको कर दोगे जी प्लस डायरेक्टली। अगर सीरीज में हो तो क्या किया करते हो आप? वेरी नाइस, 1/R ने सी 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 सी। तो ये आपका 27 माइक्रोफेरेड सीधा ही आ जाता है, बिकॉज पैरेलल में है तो पैरेलल में कैपेसिटीज आर डायरेक्टली एडिड अप। इट इज इनवर्स ऑफ द प्रोसेस वी अडॉप्ट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो भी रेजिस्टेंसेज में आप सीरीज पैरेलल में करते हो ये उसका उल्टा बिल्कुल हमने कर रखा है, तो यू विल अडॉप्ट दैट प्रोसीजर। राइट बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? वी हैव ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, बेटे सुनिएगा ध्यान से, ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है और रेडियस इसका कैपिटल आर है, ठीक है जी, इज यूनिफॉर्मली चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है इसका मैग्नीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर कैसे वेरी करता है? दिस इज टू बी बेटे इंटीमेटेड। आपको याद होगा बेटा हमने एक ग्राफ बनाया था जब हम डिस्कशन कर रहे थे सॉलिड स्फीयर का। बेटे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका इस तरफ डिस्टेंस था, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, एंड इट वाज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा ग्राफ था ऐसे, राइट? अगर आपको थोड़ा याद हो तो कुछ ऐसा बनाया था। सेंटर से जब आप सरफेस तक पहुंचते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट वेरिएशन है एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस बेटा। इट विल मीन दैट कि इंक्रीजेस, चार ऑप्शंस आपको दे रखी है उन्होंने बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। अगर आपका स्मॉल आर छोटा हो रेडियस से तो ये डायरेक्टली बढ़ ही रहा है, आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी इसका ऑप्शन है डिक्रीजेस फॉर 0 लेस देन आर लेस देन इंफिनिटी। नो, आपको बी ऑप्शन में दिया गया है 0 लेस देन आर लेस देन इंफिनिटी डिक्रीज करता, नहीं इस रेंज में इंक्रीज कर रहा है, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर लेस देन आर लेस देन इंफिनिटी। जैसे ही आपका आर जो है बड़े आर से इंफिनिटी तक वेरी करता है तो ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, ये वाली बात उन्होंने बता दी, ये बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? डी पॉइंट इज इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू आर। डिसकॉन्टिन्यूटी भी नहीं है यहाँ पे भी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, कॉन्टिन्यूटी तो बनी हुई है। इसका मतलब है कि इसका ए ऑप्शन भी ठीक है, सी भी ठीक है, दोनों ही ठीक है बेटा। और डियर चिल्ड्रन कोशिश की गई है बेस्ट पॉसिबल वे में कि आपको डिसक्रेडिट ना ही दिया जाए। अगर आपने कुछ इन दोनों में से एटलीस्ट वन भी मार्क किया होगा तो आपको जरूर अकॉर्डिंगली बेटा मार्क्स मिले होंगे, राइट? ठीक पुत्र, हाँ जी बोलिए बेटे। पैरेलल में कैसे करेंगे? अच्छा, पैरेलल में बना कैसे? ये जॉइंट्स आपके जिस जिस जगह पर बेटे कनेक्टेड हैं इसका मतलब है कि वहां पे पोटेंशियल सेम हो गए हैं। अगर पोटेंशियल सेम है तो दैट इज व्हाई दीज आर इन पैरेलल बेटा,
राइट बेटे, पोटेंशियल की कैलकुलेशन करके देख लिया करते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा, ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए डाइपोल ऑफ नेग्लिजिबली स्मॉल साइज इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। ठीक है ये बात, बिल्कुल ठीक है, कोई खराबी नहीं इसमें। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, बिल्कुल ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर क्यूब, बिल्कुल ठीक है। नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बिल्कुल ठीक है। चार ही ठीक है ऑप्शन इसकी, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी डी चारों ही ठीक है। बेटे मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला था नेग्लिजिबली स्मॉल साइज का डाइपोल आइडियल होता है, ठीक है। नहीं नहीं कोई भी नहीं, सारे ही करने थे आपको। तो फिर आपको वो जो आपका जो है एडजस्टमेंट कर दिया गया है अकॉर्डिंगली, नहीं ऐसा नहीं आपको कहना चाहिए। राइट बेटा, सी ऑप्शन आप पूछ रहे थे, इट इज कूलम पर मीटर क्यूब फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यूनिट्स पूछे गए हैं, कूलम पर मीटर क्यूब, और ये बात ठीक है बेटे, कूलम पर मीटर क्यूब है। ओ कोई बात नहीं, माइनस थ्री लिखा तो हुआ, ये कहां पे आपका कौन सा सेट है, ये देखो कूलम पर मीटर क्यूब में लिखा हुआ है, चेक करिएगा यार। नहीं नहीं कूलम है, आपको सेंटीमीटर लगा होगा, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। हाँ जी चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अकॉर्डिंगली क्रेडिट दिया गया है, आप चिंता मत करिए। राइट बेटे, 7th पॉइंट आइए देखें क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट इन ए रीजन, किसी रीजन में V आपको कॉन्स्टेंट दे रखा है, ठीक है जी। वट कैन बी सेड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप क्या कह सकते हो। आपको बेटे पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, कुछ ऐसी बात हमने की हुई है ना बेटा, है ना बेटे। जीरो अगर ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, वेरिएबल कांस्टेंट अनप्रिडिक्टेबल बेटा। राइट बेटे, पहला ऑप्शन है जीरो, दूसरा है कांस्टेंट, तीसरा है वेरिएबल, चौथा ऑप्शन है अनप्रिडिक्टेबल। तो आप यहां पे अगर कांस्टेंट को डालोगे, उसका डेरिवेटिव लोगे, तो ऑब्वियसली जीरो आएगा, तो इट मस्ट बी योर ए ऑप्शन बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं आपके, डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 8 and 9 के लिए। दीज आर द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन लेबल्ड वन असर्शन एंड द अदर एज रीजन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स ए बी सी एंड डी एज गिवन बिलो। ए ऑप्शन आपका बेटे तब होगा If both A and R are true and R is correct explanation of the assertion, both A and R are true but R is not the correct explanation, then it will be B. Teesra hai, A is true, R is false, D is A is false, R is true. Yahan pe main aapko thoda guide karna chahunga. Inko don't take these as granted. Ye charon points badalte rehte hain. जब आपका पेपर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पेपर होता है, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, ये माइंड में मत रखिए कि सब में यही होती है। कईयों में वो लिख देते हैं कि आर इज ट्रू एंड असर्शन इज फॉल्स, इनको ध्यान से पढ़ के तभी आपने आंसर देना है। ये चारों आपकी ए बी सी डी अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग हो सकती है बेटे। राइट बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखो, पहले असर्शन क्या है।
work done by the electrostatic force in bringing a unit positive charge from infinity to the point P is positive. Positive charge है, आप इसको infinity से P point पे लेके आ रहे हो, आपका work done will be positive होना चाहिए, ठीक लग रहा है ये. Reason, force on the unit positive charge is attractive so that the electrostatic force and the displacement from infinity to the point P these are in the same direction. बिल्कुल ठीक बात है, इन्फिनिटी से आप स्टार्ट हो के पी पॉइंट पे पहुंच रहे हो तो सेम ही डायरेक्शन है, तो इट मस्ट बी योर बेटा ए ऑप्शन. आपका assertion ठीक है, रीजन आपके इस assertion को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, राइट बेटे. देन डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 9, assertion है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर. बिल्कुल ठीक, आप 11th में ही पढ़ लेते हो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कंसेप्ट के साथ. वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट, दिस इज द करेक्ट रीजन अगेन. आई होप इट टू बी अगेन ए. हाँ, पाथ डिपेंडेंट लिखा है, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं लिखा, तो फिर ये सी आ जाएगा बेटे आपका, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 10, ए वायर is stretched to make its length 4 times, then its specific resistance beta. Very important question. ध्यान से सुनिएगा. A wire is stretched to make its length 4 times, then its specific resistance will become unchanged. Very nice, very nice. Because resistance की बात नहीं की गई है. Specific resistance is the property of the material of the wire or the conductor or whatever you are using beta, so it must be beta same, unchanged reh jana chahiye. Aur dekhiye kaun sa option hai, ye B option ban raha hai, it's B. Chale aage. Then 11, question number 11, let us concentrate. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा. आपके एग्जाम में, आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में रादर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चों को सिर्फ स्कोर देने के लिए होते हैं. इट मे बी वन ऑफ दोज बेटा. आपको एक उन्होंने ये नेटवर्क सा दिया हुआ है और ये कुछ इस तरीके का ये चीज दिया हुआ है. ये बेटा 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इट इज अगेन 2 एम्पियर, और यहां से 1 एम्पियर, एंड ये आपको पता नहीं है, इट इज 1.3 एम्पियर, एंड ये आपसे पूछा गया है कितना होगा. कौन सा रूल लगाएंगे, रूल कौन सा लगाएंगे, नाम किरचॉफ, कौन सा रूल किरचॉफ का, दो रूल हैं. बोली द्वारा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, नाम लो पूरा पुत्र, नहीं नहीं ये तो फिर गलत बात हो जाएगी. पहले तो इसको छोड़ दो, पहले किरचॉफ के दोनों रूल्स का नाम बताइए सारे स्टूडेंट्स. ये कौन सा, ऐसे नहीं कहना भाई, प्लीज प्लीज स्टैंड अप. यस, एक मिनट गुड़िया बैठिए, सुन लीजिए ध्यान से. आपको रूल का नाम नहीं पता, डिटेल पता है, यही क्या ठीक है ना बात. ये पहला रूल है जंक्शन रूल, ठीक है, और दूसरा रूल क्या होता है, डिटेल पता है, नाम आपको फिर नहीं पता, इट इज लूप रूल, ठीक है. आपको जंक्शन रूल लगाना है यहां पे, 2 एंड 2 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट आ रहा है यहां पे, 4 में से 1 एम्पियर निकल गया, 1.3 इधर निकल गया, बाकी कितना बचा, कुछ भी नहीं, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट. पूरा डिटेल में करवाएंगे, चिंता मत करो. सम ऑफ द वोल्टेजेस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, राइट.
प्रॉब्लम नंबर बच्चों 12 आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। आइए देखें, सोचें, समझें, इसके बारे में भी जरा बात करें। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। इन बोहर्स हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। रेडियस आप लोगों को दिया हुआ है 5×10⁻¹⁻ का, विद ए टाइम पीरियड टी 1.5×10⁻¹⁶ का। द एसोसिएटेड करंट आपको निकालना था, इसके साथ कितना एसोसिएटेड होगा। एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड, एसोसिएटेड करंट कितना होगा? आई आपका डियर चिल्ड्रन Q/T होता है, ठीक है जी। और बोहर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस मच, विद ए टाइम पीरियड ऑफ दिस मच, द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक करंट आई आपको चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बराबर होता है, और चार्ज आपके पास है, टाइम पीरियड आपके पास है। इसको छोटा सा कैलकुलेशन करके देखना था, और मेरे पास ये बेटे डी ऑप्शन जो है ये आ रहा है। हाँ जी बेटे, चार्ज इलेक्ट्रॉन का लेंगे आप, बिल्कुल डेफिनेटली। देन बेटा आइए आगे चलें। मे बी और मे नॉट बी, कई बार हमें मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट वगैरह भी दिया जाता है, कई बार ऐसे होता है कि बेटे सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कोई क्वेश्चन है उसमें उन्होंने दो चीजें पूछी हुई है, मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट भी है, करंट भी है, उन्होंने हाफ करके पूछ लिया आपको, समथिंग लाइक दैट मे बी देयर। बेटे प्रॉब्लम नंबर 13, टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर ज्वाइंट इन सीरीज और इन पैरेलल गिव द सेम करंट व्हेन कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको कैपिटल आर 1 ओम का दिया गया है, इंटरनल को आप स्मॉल आर कहा करते हो। आपको कहा गया है टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर ज्वाइंट इन सीरीज और इन पैरेलल गिव द सेम करंट व्हेन कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज रिक्वायर्ड। बेटा दो सेल्स हैं, पैरेलल में लगा दिए, पैरेलल में लगाने पे करंट कितना होगा? बताओ बेटे, ऐसे नहीं है। तो आपके पास दो सेल्स हैं, पैरेलल में लगा दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, इनको आपने ऐसे अटैच किया बच्चों, राइट। ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इसका ईएमएफ ई है, इसका भी ई है, इसका आर है, इसका आर है, दोनों पैरेलल में लग गए, इनका कितना हो गया रेजिस्टेंस इंटरनल इफेक्टिव कितना? 2 कैसे हो गया? आर और आर तो है, 2 कैसे हुआ? अरे बच्चों पैरेलल में है, आर बाई 2 आ जाएगा बेटे, हाफ रह जाएगा, क्या करते हो, पैरेलल में हाफ नहीं हो जाता है ना। और बाहर वाला रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम का है। अरे ऐसा ही है, वो खराब भी कर रहा है कुछ। ये आपका नेट रेजिस्टेंस कितना बन गया? ये बन गया आर इफेक्टिव, ऐसा ही है। क्या कहते हो भी पुत्र? नहीं नहीं डरने वाली कोई बात नहीं है। जब आपने पैरेलल लगा दिया तो करंट आपके पास आ गया E/R/2+1 आ गया। एग्री टू दिस? आपने अब सीरीज में लगा दिया दोनों को, ये सीरीज में लग गए, नेट ईएमएफ कितना हुआ? अब नहीं बोलेगा, कितना नहीं बोलना सर, इट इज 2E। आर प्लस आर कितना होता है? 2R+1 कितना हो गया? अब उन्होंने कहा कि ये और ये सेम है, तो E/R/2+1 is 2E/R
आर प्लस, ये इसको जरा देखो कितना आता है यार, देखना देखना फटाफट। अब बेटे सॉल्व करके देखोगे, ऐसे कैसे देखोगे आप पेन। हाँ जी, उन्होंने कहा कि सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, इनका वैल्यू सेम आ रहा है। हाउ मच? अरे कॉपी पेन के बिना बेटे फिजिक्स पीरियड में कैसे बैठ सकते हो आप? फ्री आ रहा है, आइए एक बार क्रॉस चेक कर लें। आप सर से ही करवाओगे है ना? चलिए ये आ गया 2e अपॉन आर प्लस 2 1 आना चाहिए, इनका कैसे 3 आ रहा है? मैथ अपना स्ट्रॉन्ग करो ना फिर बेटे। ये कट गया एंड आर प्लस 2 आपका आ गया 2r+1, आपके सामने ही है। एलसीएम नहीं लेना हमने पुत्र जी, इस आर को इधर ले जाओ, इस वन को इधर ले जाओ। वन वन नहीं आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा, राइट? क्वेश्चन नंबर 14, इसमें उन्होंने आपको सीक्वेंस पूछा हुआ है आई थिंक, टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ द टू प्राइमरी सेल्स यूजिंग द फॉलोइंग सर्किट। वन विल इंसर्ट द की K2, इंसर्ट द की K1, इन टच द जॉकी एट ए एंड बी। ये सवाल का जवाब उस बच्चे ने देना था जिसने प्रैक्टिकल ये किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 का। आपको 14th क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप की के वन को प्रेस करते हो, फिर आप की के टू को, फिर आप चेक करते हो बैलेंस पॉइंट के लिए। बी पार्ट आपका इसका बच्चों बन जाएगा आपका जिम स्टूडेंट्स का। बेटे डियर, जिनका ए सेट था वो वाले बच्चे बी सॉल्व करके लाएंगे, जिनका बी था वो ए सॉल्व करके लाएंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू ऑल बेटे।